दोस्तों, महिलाओं को पुरुषों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनको पसंद नहीं आती है। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, लेकिन वहीं कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ऐसे में हमें अपने गलत आदत को बदलना ज़रूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि पुरुषों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके महिला पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिसको बदलना चाहिए, नहीं तो महिला पार्टनर आपसे दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में, जिसमें पहला है घर देर आना। पत्नियों को पुरुषों का घर देर से आना पसंद नहीं आती। कई बार पुरुषों को ऑफिस के काम से या फिर किसी और काम से गए होते हैं तो घर देर रात से आते हैं, और वे यह भूल जाते हैं कि खाने पर उनकी पत्नियां इंतज़ार करती हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर को पहले से बता कर रखें। दूसरा है गंदे कपड़े पहनना। हर महिला अपने कपड़ों को लेकर बहुत संजीदा रहती है। हर महिला अपने साफ कपड़े पहनती है और अपने पार्टनर के कपड़ों का भी ख्याल रखती है, लेकिन वहीं कई पुरुष गंदे कपड़े और मोजे पहन लेते हैं। गंदे कपड़े आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर देते हैं और गंदे मोजे बदबू आती है, तो ऐसी आदतों को बदलना चाहिए। तीसरा है घर की जिम्मेदारी न समझना। अधिकतर पुरुषों में यह आदत देखा गया है कि वह घर का काम, बच्चों को संभालना, बाजार से सामान लाना, घर की देखरेख और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सभी कामों की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। ऐसे में यह जिम्मेदारी दोनों की होती है। जब भी टाइम मिले तब हर कामों में अपने पार्टनर के साथ हाथ बटाना चाहिए। चौथा है बिस्तर पर गीला तौलिया छोड़ना। अधिकतर पुरुष नहाने के बाद तौलिए को बिस्तर या सोफे पर रख देते हैं, जो महिलाओं को पुरुषों की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसके कारण बिस्तर से बदबू आ जाती है। इसलिए पुरुषों को इस आदत को बदलनी चाहिए।